ओम सायरा, मैं साइली आप सभी के लिए एक नई सीरीज लाई हूँ, जिसमें हम रोज़ आप लोगों को बाबा की चिट्ठी सुनाएंगे। अब ये चिट्ठी आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो श्री साईं बाबा का जो साईं चरित हम सभी के घर में है, वहाँ से आप सभी के लिए मैं कुछ साईं की चिट्ठियाँ लेकर आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए, आज के लिए बाबा हमें कौन सा संदेश देते हैं, चलिए जानते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबत बचाना कोई। यह कबीर के दोहे हैं और साईं चरित के पहले अध्याय में श्री साईं बाबा ने गेहूं पीसने की कथा के बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से हुआ था और क्या क्या हुआ था। तो इस कथा में बाबा ने हैजा नामक जो बीमारी थी उसे शिरडी से दूर भगाया था चक्की पीसकर। तो चक्की पीसने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, तो चलिए आज जानते हैं। साईं चरित्र का पहला अध्याय 4 नंबर पेज में लिखा है, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। बाबा हम सभी को एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ गेहूं के दाने जो केंद्र में धीरे धीरे करके चले जाते हैं तो वो पिसने से, इस चक्की से पिसने से बच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से साईं बाबा हमें बताना चाहते हैं कि तुम मेरी भक्ति में लग जाओ और जब मेरी भक्ति करते करते तुम कोई भी कर्म करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका पूरा का पूरा ध्यान बाबा पर होगा और आपका काम अच्छा होगा और काम से रिलेटेड अच्छी बुरी चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए इस बाबा की यह संदेश आपको यह सिखाता है कि आप कर्म करते रहिए और काम करते करते बाबा का नाम जप करते रहिए, इसकी वजह से आपको दुख और सुख में समान भाव आपको बाबा ही नज़र आएगी। ओम सायरा। आज के लिए बाबा की चिट्ठी आप सभी के पास पहुँचे इसकी मैंने कोशिश की है। बस आपसे यही कहूँगी, अगर आपको ये बात सच्ची लगी हो, सही लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे जितने ज़्यादा साईं भक्तों तक पहुँचा सकें इस चिट्ठी को भक्तों तक पहुँचाइएगा। ओम सायराम। आप सभी का दिन शुभमय हो। ओम सायराम।